फूडीज, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू माय चैनल नो डाइट जस्ट बाइट। आज बनने जा रहा है हमारे किचन में मटन दम बिरयानी। ये देखिए, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज, और मैं ज़्यादा उर्दू बोल रही हूँ, राइट? सो बहुत ही यमी है, इसको कहने के लिए वर्ड्स नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गोश्त को अच्छे से धो के रख लिया है, मटन को। ओके, 1.5 किलो गोश्त है, उसमें मैं अराउंड 250 ग्राम्स मैंने दही ले लिया है। पहले हम पेस्ट रेडी कर लेंगे मैरिनेशन का। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अच्छे से, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया हुआ है। और ये मैं शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये मेरा फेवरेट गो टू मसाला है। तो एक तो ये डाल देती हूँ, क्योंकि मटन बिरयानी है इसलिए मैं दूसरे भी मसाले इसमें थोड़े से डालूंगी। चिकन होता तो बस मैं एक मसाले का पैकेट के अलावा दूसरे मसाले नहीं डालती हूँ। सो इसमें चला गया थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़े से क्रश किए हुए हम इसमें फ्राइड अनियंस। बिरयानी में फ्राइड अनियंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सो उसको स्किप कभी मत कीजिए, ठीक है? तो फ्राइड अनियंस हमने अच्छे से इसमें, मैंने 2 मुट्ठी जितना, अराउंड 5 टेबलस्पून्स, ठीक है? फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। थोड़ा सा अभी इसमें हल्दी और धनिया का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है? और हमारा सॉल्ट, ऑब्वियसली। थोड़ा सा मैं इसमें तेल डालती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं मैरिनेशन में तेल यूज़ करती ही करती हूँ। सो इसमें हमारा मटन के पीसेस डाल के अच्छे से इसे प्यार करना है। ये मेरी मम्मी कहा करती थी, जब भी मैरिनेट या कोई चीज़ अच्छे से मिक्स करना हो तो मम्मी कहती थी इसे अच्छे से प्यार कर लो। तो इसे हम अच्छे से दुलार दे देंगे, अच्छे से इसे लिपस्टिक पाउडर लगा देंगे। एंड ये बस हम, मेरी झटपट वाली थी इसलिए मैंने 1 घंटा ही रखा मैरिनेशन। फिर इसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया। कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट कुकर में बस यूं ही उड़ेल देना है, क्योंकि सब मसाले इसी में हैं। अब इसे एक सीटी के बाद आपको कम से कम अराउंड 15 मिनट्स इसको दम पे रखना है, स्लो आंच पे, ठीक है? जब तक हमारा वो हो चुका था, तो मैंने अब इसमें पानी उबालने के लिए राइस के लिए रखा है। राइस को भी मुझे आधा घंटा हो गया सोक किए हुए। मैंने अराउंड 5 ग्लास वो लिया है चावल, बासमती अक्खे वाले चावल। आप अपने प्रेफरेंस से यूज़ कीजिए, आपको जो लगता है कि बिरयानी के लिए बेस्ट है, ठीक है? और पानी में मैंने सब गरम मसाले डाल दिए हैं, जो भी ज़ीरा, शाह ज़ीरा, एंड साइड में मेरे आलू भी मैं फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं। तो आलू ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है आप डालिए, वरना इट्स ओके। एंड थोड़े थोड़े सारे गरम मसाले, जैसे कबाब चीनी भी है, काली मिर्च आपको एक जैसी लग रही होगी, पर कबाब चीनी का भी टेस्ट एक अलग ही उठ के आता है। सो थोड़ा थोड़ा बस इसका अर्क सब हमें निकाल लेना है। थोड़ा सा ऑयल डालना है, एंड अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। हरी मिर्ची कभी मत भूलिएगा, क्योंकि उसका एक अलग ही सुगंध और खुशबू, जो कहते हैं, उठ के आती है, ठीक है? फिर धनिया थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और सॉल्ट, जैसे 5, आप लॉजिक लगा लीजिए, 5 ग्लास चावल है तो मैंने यहाँ 5 चम्मच ये डाला हुआ है सॉल्ट, ठीक है? सॉल्टी नहीं होगा, क्योंकि ये पानी पूरा छन जाएगा। अब ये यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून के करीब नींबू का रस डाल दिया है। अक्खे नींबू है तो वो भी आप निचोड़ के नींबू को धो के इसी में छोड़ दीजिए। अब हमारे मसाले की तरफ आते हैं। मैंने जिस पतीले में आपको बनाना है उसमें मैंने जो फ्राई किए हुए अनियन का तेल था वो मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा घी ले लिया है। अब इसमें थोड़े ही गर्म मसाले, जैसे ये दालचीनी और तेज़पत्ता और ज़ीरा, शाहज़ीरा, ओके, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें हरी मिर्ची थोड़ी सी मैं 2 या 3 ही स्लिट करके डाल रही हूँ। गरम मसाला बहुत लोग इस टाइम पे भी बहुत डालते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो इसमें मैंने थोड़े से फ्राइड अनियंस डाल दी, और ये देखिए हमारा कुकर का मसाला एकदम रेडी, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया था। और ये मैंने आलू डाल के अब इसे भून लिया है। बस उसे थोड़ी देर तक हम थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, और जब तक अच्छी धुली हुई चाय की छन्नी से, छोटी छन्नी लेंगे तो फ़ायदा है, सब आप ऊपर जो तैरते हुए गरम मसाले हैं आप निकाल लीजिए, और फिर उसमें चावल डाल के उसे थोड़ा सा 80% कुक होने दीजिए। अब जो हमारा ये भून चुका था तो मैंने थोड़ा सा अलग निकाल लिया है, क्योंकि लेयर्स के लिए। फिर मैंने थोड़ा चावल इस पर डाल दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके जो गोश्त के पीसेस हैं वो इस पर ले करते जाऊंगी।
थोड़ा दूर दूर ताकि हर जगह जब आप निकालें तो आपको गोश्त के टुकड़े और आलू के टुकड़े मिले। सो उसे अच्छे से फैला के लगाइए। अब आपके हिसाब से जो भी आपके पास हो, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, वो आप लेयरिंग में लगा सकते हैं। नहीं है कोई बात नहीं, ये लेयरिंग वाला आप ओमिट भी कर सकते हैं ये हिस्सा, ठीक है। प्याज, बिलीव मी, प्याज का एक अपना ही रोल है तो वो भूलिए नहीं। यहाँ मैंने गुलाब के पंखुड़ी मिलते हैं जो स्पाइस के शॉप में होते हैं, तो वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं हर बिरयानी में नहीं डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा ये फाइनल लेयर ऑफ राइस आ गया है, इस पर भी मैं थोड़ा सा अपना फ्राई किया हुआ प्याज रख दूंगी। पर फ्राई किए हुए प्याज को हमेशा आप डायरेक्ट ऊपर रखने के बाद थोड़ा सा हिला लीजिए, क्योंकि आप बहुत बार देखते हो कि दम लगाने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। सो मैं थोड़ा सा अंदर मिक्स करके ऊपर नीचे कर लेती हूँ राइस को। फिर यहाँ मैंने थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ वापस डाल दी है और थोड़ा सा कलर आप हमेशा ऐसे ही डालिए, वरना आपके सारे डिसकलर हो जाएंगे राइस। सो थोड़ा वाइट रखना है, थोड़ा कलर रखना है, और थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लॉब ऑफ बटर यहाँ वहाँ हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, ठीक है। अब इसे हम दम पे रखेंगे। मैंने दम पे अराउंड 40 मिनट्स रखा था। अब देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी बिरयानी, और गुलाब की खुशबू तो बहुत ही अच्छी लग रही है इसमें। सो जो लोग गुलाब जल डालते हैं उसके बदले आप ये डाल के देखिए, ठीक है। और देखिए कितने छोटे छोटे हमारे राइस बने। सो बिलीव मी गाइस, बहुत ही यमी, और मेरे लिए तो बहुत झटपट है। लोगों को प्रैक्टिस करने में टाइम जाता है, बट आप ट्राई करके ज़रूर देखिए इन सर्दियों के सीज़न में। एंड गारंटी है अगर आप ये रेसिपी फॉलो करते हैं तो आपकी बहुत ही मज़ेदार लज्जतदार बिरयानी तैयार हो सकती है। सो कमर कस लीजिए और जल्दी से ट्राई कीजिए ये वाली रेसिपी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।